था नहीं, अनंत सिंह तो उन्हीं के साथ थे, नीतीश कुमार जी के साथ थे। तो अब हमको ऐसा लगा कि अनंत सिंह में क्या हो गया इधर, पहले तो उन्हीं के साथ थे। ठीक है, अब आपके पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि डॉक्टर सीपी ठाकुर अनंत सिंह के पक्ष में क्यों करा गए हैं, तो उन्होंने कहा है नीतीश जी इतना मत सताइए किसी को, इतना मत ये कौन क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जिस मामले की चर्चा कर उन विधवा माताओं और बहनों के चित्कार को भी सुनना चाहिए। देखिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के बयान की मैं कठोरतम शब्दों में भर्सना करता हूँ। कानून व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार ने पहले भी किसी रसूखदार या किसी आम अपराधी के बीच कोई बात नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अनंत सिंह को लेकर जेडीयू और बीजेपी किस कदर आमने सामने है, इसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अनंत सिंह प्रकरण को लेकर कई तरह के बयान सामने आए, डॉक्टर सीपी ठाकुर जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं उनका बयान सामने आया, नीरज कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं जेडीयू के कद्दावर नेता हैं उनका बयान सामने आया, जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद उनका बयान सामने आया, और तमाम तरह के बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ताकि हम आपको ये समझा सकें या दिखा सकें कि किस तरीके से अनंत सिंह को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने रही है। नहीं, अनंत सिंह तो उन्हीं के साथ थे, नीतीश कुमार जी के साथ थे। तो अब हमको ऐसा लगा कि अनंत सिंह में क्या हो गया इधर, पहले तो उन्हीं के साथ थे और बराबर उनके साथ मिलके काम किया है अनंत सिंह, इसीलिए लोग पूछा तब कहे कि तब उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है? अब तो देहात में वो कहते हैं कि घर है कभी जाते नहीं है, उसमें रिवॉल्वर वगैरह क्या AK-47 मिला, ये सब है। अब क्या कहाँ सच है, हमको ये सब से मतलब नहीं रहता है। पुलिस ने AK-47 उनके घर से बरामद किया है, तो क्या करती है क्या नहीं करती है उस पर बात नहीं है। पुलिस तो अपने पास से भी वो AK-47 लेके रख देगा वहाँ और कहेगा कि यहीं से बरामद हुआ है। तो नहीं, सरकार को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि जो आदमी यही सरकार के साथ थे पहले, उनका वो थे ठीक है, और सरकार ने फिर उनके खिलाफ में कहा इतना पड़ी हुई है, यही मेरा कहने का मतलब लगता है। ठीक है, अब आपके पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि डॉक्टर सीपी ठाकुर अनंत सिंह के पक्ष में खुलकर आ गए हैं, उन्होंने कहा है नीतीश जी इतना मत सताइए किसी को, इतना मत तंग करिए। देखिए, कौन क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस मामले की चर्चा कर उन विधवा माताओं और बहनों के चित्कार को भी सुनना चाहिए कि जिनकी माँ बहनें विधवा हो गई थी उनका क्या कसूर था। माँ ब्राह्मणी का दरबार वहाँ है, माँ ब्राह्मणी के दरबार में अगर किसी की पैरवी कर रहे हैं तो जिन पर आरोप लगा है वो कृपा कर करके इस बात के लिए जाएं और अनुरोध करें माँ भगवती से, माँ भगवती से पूछें कि माँ भगवती कौन कौन सा गुनाह वहाँ हुआ है। देखिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के बयान की मैं कठोरतम शब्दों में भर्सना करता हूँ। कानून व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार ने पहले भी किसी रसूखदार या किसी आम अपराधी के बीच कोई फर्क नहीं किया है, और ताज़ा कार्रवाई जो अभिलेखों में अनंत सिंह के खिलाफ मामले दर्ज है उसके आधार पर की जा रही है, और इसीलिए ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मसला है और इस पे किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर रियायत नहीं दी जा सकती है कि उसकी पहुंच क्या है, उसका प्रभुत्व क्या है, उसका राजनीतिक आधार क्या है, और इसीलिए इस तरह के आरोपों का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे आरोपों से सीपी ठाकुर जी को भविष्य में बचना चाहिए। तो हमने आपको तीनों बयान सुनवा दिया है। पहले डॉक्टर सीपी ठाकुर यह कह रहे हैं कि बहुत हो गया, नीतीश कुमार अनंत सिंह को फंसा रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि अनंत सिंह के घर हथियार तो पुलिस भी रख सकती है, ये बयान सीपी ठाकुर का। उसके बाद नीरज कुमार का बयान सामने आया, और उसके बाद राजीव रंजन प्रसाद जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बयान दिया और खुलकर निंदा की है, आलोचना की है डॉक्टर सीपी ठाकुर के बयान पर। कह सकते हैं भड़क गए डॉक्टर सीपी ठाकुर के बयान पर राजीव रंजन प्रसाद, और उन्होंने क्या कहा है हमने आपको सुनवा दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222।
सॉट केयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।